इसलिए हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए. Now we are going to collect more gold coins. In a village, there lived two brothers. In a village, एक गांव में, there lived two brothers. दो भाई रहते थे, प्रेमनाथ and राधेनाथ. प्रेमनाथ और राधेनाथ नामक दो भाई रहते थे. प्रेमनाथ was a woodcutter. प्रेमनाथ जो था वो क्या था, उर्लारे की आपने कहानी सुन रखी है. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. तो यहाँ पर दो भाई कौन कौन से बताए हैं आपको याद रखने ये चीजें. एक का नाम है प्रेमनाथ और दूसरे का नाम है राधेनाथ. दोनों सगे भाई हैं. इसमें पहला जो भाई है वो क्या है, वुडकटर. वुडकटर क्या होता है, वुडकटर वन से लकड़ियां काटता है और उसे जंगल में बेचता है. सॉरी, से लकड़ियां काटता है, उसे बाजार ले जाकर इसे बेच देता है और इसी से वो अपनी आजीविका चलाता है. उसकी आजीविका का यही एकमात्र साधन था कि वो दिन भर लकड़ियां काटता, शाम को ले जाकर इसे बाजार में बेच देता और इससे अपना वो गुजारा चलाता था. He went to the forest every day. वह रोजाना वन टू कट लकड़ियां काट एंड सेल इट इन द मार्केट. मार्केट प्रेमनाथ एंड राधेनाथ. प्रेमनाथ वॉज ए वुड कटर. ही वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे टू कट वुड. रोजाना वन में जाता किस लिए, लकड़ियां काटने. एंड सेल इट, और इसे बेच देता. इन द मार्केट, मार्केट. He worked hard for his living. वो अपनी आजीविका चलाने के लिए worked hard. Worked hard क्या होता है, कठिन परिश्रम करता. But was contented with whatever he got. Contented होता है संतुष्ट हो जाना. Contented means क्या होता है, संतुष्ट हो जाना. लेकिन जो भी वो प्राप्त करता था, कम मिले, ज्यादा मिले, कुछ भी मिले, उससे वो संतुष्ट था. व्हाट एवर, जो भी. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, राधेनाथ वॉज बेटर ऑफ फाइनेंशियली. पहला भाई क्या था, वुडकटर था. दूसरा क्या था, वो फाइनेंशियली होता है आर्थिक रूप से बेटर ऑफ, बहुत अच्छा था. कहने का मतलब वो अमीर था. He ran a shop in the village. उसका व्यवसाय क्या था, कारोबार क्या था, वो गांव में एक दुकान चलाता था. उसकी गांव में एक दुकान थी, गांव में उसकी एक दुकान थी. He ran a shop in the village. He was a cunning. Cunning होता है चालाक, धूर्त. वो बड़ा ही चालाक था. एंड ग्रीडी फेलो, और एक लालची व्यक्ति था. एंड वुड नॉर्मली एंजॉय ऑल मींस टू चीट पीपल, और लोगों को ठगने में उसे बड़ा ही आनंद आता था. लोगों को ठगने में उसे चीट क्या होता है, ठगना. लोगों को ठगने में उसे बड़ा ही मजा आता था. दो राधेनाथ वॉज यंगर टू प्रेमनाथ, येट ही कमांडेड इन्फ्लुएंस ओवर हिज एल्डर ब्रदर. यद्यपि जो राधेनाथ था वो छोटा था इसे प्रेमनाथ, फिर भी वो क्या करता था, अपने बड़े भाई के ऊपर पूरी तरह से कमांड करता था, उसको आदेश देता था. एक दिन क्या हुआ, वन डे, एक दिन बहन प्रेमनाथ वेंट टू द फॉरेस्ट. एक दिन प्रेमनाथ जब वन में गया
एंड क्लाइम्ब द ट्री, पूरी पेड़ काटने लगा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया एज इफ, मानो मानो द ट्री वाज शेकिंग, शेकिंग होता है हिलना, मानो कि पेड़ हिल रहा था। ही वाज टेरिफाइड टू द एक्सट्रीम, इस बात की वह बहुत अधिक डर गया, टेरिफाइड डरना। ही एटवेंस गोट डाउन, तुरंत पेड़ से नीचे उतर गया। सून ही हियर ए वॉइस इमिनेटिंग फ्रॉम द ट्री, जल्द ही उसे पेड़ से एक आवाज सुनाई दी, इमिनेटिंग जो पेड़ से बाहर आ रही थी, इमिनेटिंग बाहर आना, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से बाहर आती हुई उसने एक आवाज सुनी और उस आवाज ने क्या कहा, Who are you? तुम कौन हो? What have you come here for? तुम यहाँ पर इसलिए आए हो? ये किसने कहा? ये आवाज उसे पेड़ से आती हुई सुनाई दी। यहाँ तक बेटा आपके समझ में आ गया? जो हमने बताया, क्या बताया हमने अब तक कि राधेनाथ और प्रेमनाथ दोनों भाई थे, एक भाई गरीब था एक भाई अमीर था, ठीक है। उसमें जो प्रेमनाथ था वो क्या था, वुडकटर था, और राधेनाथ था वो एक अमीर व्यक्ति था, वो गांव में एक दुकान चलाता था, लेकिन वह बड़ा ही चालाक व्यक्ति था, वह लोगों को ठगता था, जबकि जो प्रेमनाथ था वो बड़ा ही सीधा साधा, उसे जो भी कुछ मिलता उससे संतुष्ट हो जाता था। और एक दिन क्या हुआ, जब उसकी जो दिनचर्या थी वो क्या थी, वन में जाना, लकड़ियां काटना और उसे बाजार में बेच देना, और जो कुछ मिलता उससे ही वो अपने पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता, थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, जो भी मिले उससे वो पूरी तरह से संतुष्ट था। अब एक दिन क्या होता है, जैसे वो वन में गया और पेड़ काटने लगा तो पेड़ हिलने लगा, इससे वो डर गया, नीचे उतरा और उसे पेड़ से आती हुई एक आवाज सुनी, क्या कहा आवाज ने, कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। प्रेमनाथ ट्रेम्बल्ड एंड सैड, प्रेमनाथ कांपने लगा और कहा, आई एम ए पुअर वुड कटर, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। आई केम टू द फॉरेस्ट एवरी डे, मैं रोजाना वन में आता हूँ, टू कट वुड, लकड़ी काटने, टू मेक माई बोथ एंड मीट्स, बोथ एंड मीट्स का अर्थ होता है गुजारा चलाना, मैं अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए वन में आता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ। हेड क्या कहता है कि आई एम ए होली ट्री, मैं एक पवित्र पेड़ हूँ, यू आर नॉट सपोज टू कट मी डाउन, कहता है कि तुम्हें मुझे काटने की भी नहीं सोचनी चाहिए। अब प्रेमनाथ क्या कहता है, ओ होली ट्री, अरे पवित्र पेड़, इफ आई डोंट कट वुड, यदि मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो क्या होगा, तो माई फैमिली एंड आई सेल स्टेव टू डेथ, स्टेव होता है भूखे मरना, तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। सैड प्रेमनाथ एज ही जॉइंड हिज हैंड्स इन इंट्रीट, जब प्रेमनाथ ने ये शब्द कब कहे, जब उसने दोनों हाथ प्रार्थनावश जोड़े और दोनों हाथ जोड़कर उसने उस पेड़ से विनती की, पेड़ से क्या विनती की, कि यदि मैं आपको काटूंगा नहीं, मैं यदि लकड़ियां काटूंगा नहीं तो किस प्रकार से मैं अपने परिवार का गुजारा चलाऊंगा और मेरा परिवार जो है वो भूख से मर जाएगा। पेड़ कहता है कि आई डिड नॉट फॉरबिड टू कैट अदर ट्रीज, मैं तुम्हें दूसरे पेड़ों को काटने से मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें दूसरे पेड़ों को काटने के लिए मना नहीं किया, बट यू कैन नॉट कट मी,
लेकिन तुम मुझे नहीं काट सकते, लेकिन तुम नहीं काट सकते। कर रही थी तो है तुम क्या रिजन दो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद, सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा। ही कट वुड फ्रॉम अनदर ट्री, उसने दूसरे पेड़ से लकड़ियां काटी। सोल्ड इट इन द मार्केट, इसे मार्केट में बेचा। एंड वेंट होम, वो घर चला गया। ही नैरेटेड टू हिज वाइफ व्हाट हैड हैपेंड इन द फॉरेस्ट। नैरेटेड होता है वर्णन करना, सुनाना। उसने यह कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। क्या सुनाया? कि व्हाट हैपेंड इन द फॉरेस्ट, उसने ये सब कुछ बताया जो वन में हुआ था। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी बोली, दैट ट्री मस्ट बी द प्रोटेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट। प्रोटेक्टर होता है संरक्षक, प्रोटेक्टर संरक्षक, जो रक्षा करे दूसरों को, वह पेड़ अवश्य ही वन का संरक्षक होगा। That is indeed the holy tree. वह वास्तव में ही एक पवित्र पेड़ है। Indeed, वास्तव में ही। You must worship it when you go next. जब तुम अगली बार जाओ तो तुम उसकी पूजा कर। बेटा यस, आपको कई बार बता दिया है, आप माइक ओपन कर लेते हो, मैं आपको 3 बार म्यूट कर चुका हूँ। ये अपना माइक ऑफ करो बेटा। बेटा ऐसे डिस्टरबेंस होता है, आप माइक ओपन कर लेते हो। नेक्स्ट डे व्हेन प्रेमनाथ वेंट टू द फॉरेस्ट, अगले दिन जब प्रेमनाथ वन में गया, ही कैरिड अलोंग विद हिम ए जग ऑफ वाटर एंड इंसेंस स्टिक्स। अगले दिन जब प्रेमनाथ वन में गया तो अपने साथ एक पानी का जग साथ लेकर गया और कुछ पवित्र लकड़ियां लेकर गया। नेक्स्ट पेज। सर इंसेंस स्टिक मतलब पवित्र। अब क्या हुआ, ही ऑफर्ड वाटर, ही ऑफर्ड वाटर एंड ब्रंट इंसेंस स्टिक at its base and bowed. अब क्या हुआ कि वह पानी, उस पवित्र पेड़ को उसने पानी ऑफर किया, भेंट किया, और जो वो लकड़ियां लेकर गया था वहां, उस लकड़ियों को उसने वहां जलाया और वो उसके सामने बाउड, बाउड होता है झुकना, उसके सामने वो झुका। As he picked up his axe to go towards another tree. जब वह दूसरे पेड़ पर जाने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, tree spoke, वह पेड़ बोला, ओ मैन,
अरे व्यक्ति, यू आर ए जेंटलमैन इंडीड, वास्तव में ही तुम एक जेंटलमैन हो, एक अच्छे नेक इंसान हो, भद्र पुरुष हो। व्हेन यू कम हियर टुमारो, जब तुम अगली बार यहाँ पर आओ आओ तो अपने साथ लेके, पोट मींस क्या होता है, बर्तन, एक घड़ा बर्तन लेकर अपने साथ आना। प्रेमनाथ नोडिड इज हेड, नोडिड होता है सिर को हिलाना। प्रेमनाथ ने अपना सिर हिलाया और बोला, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। The following day, he carried with him a new coat. अगले दिन, following day, अगले दिन, next day, जिसको हम बोलते हैं next day. वो अपने साथ एक नया बर्तन ले गया, incense sticks and water, पवित्र लकड़ियां और पानी. He offered water, incense sticks and water. उसने पानी हिट किया, लकड़ियां जलाई और फिर उसके सामने झुका। द ट्री स्पोक, पेड़ बोला, कैन यू सी ए होल इन माई स्टेम, स्टेम होता है तना, कि क्या आपको मेरे तने में कोई होल नजर आता है, कोई होल दिखाई दे रहा है? सर नो डिड मतलब, नोडिड होता है बेटा सिर को हिलाना, नोडिड हिलाना, नोडिड ही सैड है, अपने सिर को हिलाया एंड सैड, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। तो अगले दिन उसने क्या किया, वही दूसरे दिन किया कि कुछ लकड़ियां ली, पानी लिया, पानी उसकी जड़ों में भेंट किया, लकड़ियां जलाई और फिर उसने, पेड़ ने क्या कहा कि क्या तुम मेरी तने में, स्टेम, स्टेम क्या है, तना, क्या तने में तुम्हें कोई होल नजर आ रहा है, सुराख नजर आ रहा है? यस ओ होली ट्री आई कैन, कहता है कि अरे पवित्र पेड़, मैं देख सकता हूँ, मुझे दिखाई देता है। पैलेस रिपोर्ट एंडर देयर, कहता है कि, पेड़ कहता है कि जहां पर आपको होल नजर आता है वहां पर क्या कीजिए, प्लेस द पोर्ट एंडर देयर, वहां पर अपना घड़ा रख दीजिए। आई विल गिव यू गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। बी केयरफुल, लेकिन सावधान रहना, नो गोल्ड कॉइन्स शुड फॉल डाउन, कोई भी सोने का सिक्का नीचे नहीं गिरना चाहिए। स्टॉप मी व्हेन द पोर्ट इज फुल, मुझे रोक देना उस समय जब घड़ा भर जाए। ठीक है, तो क्या कहा उसने, जब अगले दिन वो बर्तन लेकर गया, बर्तन लेकर गया और फिर वही वो पानी और लकड़ियां लेकर गया, पानी भेंट किया, लकड़ियां जलाई, तो पेड़ ने क्या कहा कि क्या तुम्हें कोई सुराख नजर आता है? तो उसने कहा हाँ मुझे दिखाई देता है। तो क्या कहता है वो कि भाई सुराख के नीचे तुम अपना बर्तन रख दो, लेकिन ध्यान रहे, लालची नहीं बनना है, जैसे अब्दुल्ला बन गया था, आपको लालची नहीं बनना है कि कोई भी गोल्ड कॉइन जैसे ही मटका भरने लगे तुम स्टॉप कर देना कि रुक जाओ, ठीक है मटका भर गया है तो मुझे स्टॉप कर देना, जैसे ही तुम्हारा मटका भर जाए कोई भी सिक्का नीचे नहीं गिरने पाए। तो आगे क्या हुआ कि प्रेमनाथ प्लेस द पोर्ट एंडर द होल, प्रेमनाथ ने क्या किया, उस पोर्ट को पैलेस कर दिया, रख दिया कहां पर, एंडर द होल, सुराख के नीचे। The gold coins started falling. Started falling होता है गिरने शुरू हो गए। From the hole into the pot. उस सुराख से और उस बर्तन में gold coin गिरने शुरू हो गए। He stopped the tree and the pot was about to be full. भरने ही वाला था। ठीक है? ये नहीं भर गया तब बोला,
ये जैसे ही बर्तन भरने वाला था गर्दन तक आया तभी उसने रोक दिया। He stopped the tea when the pot was about to be full. जैसे ही घड़ा भरने वाला था उसने पेड़ को रोक दिया। He straight away था सीधे। He straight away went to his house. वह सीधे अपने घर गया। His bed is had gone by. Bed is ruined. उसके बुरे दिन बीत गए। उसके बुरे दिन बीत गए। He became rich. वह अमीर हो गया। Soon he bought a good house, a large farm, and employed servants to look after him and his farm. अब जब उसके पास पैसे हो गए बहुत सारे तो उसने क्या किया? Soon, शीघ्र ही उसने एक अच्छा घर खरीदा, a large farm, एक बड़ा सा खेत खरीदा, and employed servants. एम्प्लॉयड सर्वेंट से उसने नौकर रखे तो लुक आफ्टर हिम एंड इज ए फार्म, खेत की और अपनी देखभाल के लिए उसने नौकर रखे। हिज लाइफ चेंज्ड फॉर द बेटर, उसका जीवन बहुत अच्छी तरह से बदल गया। गोइंग टू द फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग प्रेयर्स पार्ट ऑफ डेली रूटीन नाउ। रूटीन क्या होता है? दिनचर्या। अब उसकी दिनचर्या का जो हिस्सा बन गया था, नियमित रूप से क्या करने लगा वो कि वन में जाना, प्रार्थना करना, वन में जाना प्रार्थना करना, इसकी दिनचर्या के नियमित रूप से उसकी दिनचर्या के ये नियम बन गए थे। ठीक है बेटा, तो अब इसी के साथ आज का जो आज सिर्फ इतना ही। ठीक है बेटा, और बताइए कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लेसन एंड योर होमवर्क, किसी का पेंडिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट का बेटा, किसी भी सब्जेक्ट का, साइंस, मैथ, आपका एसएसटी या किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपका होमवर्क पेंडिंग है तो बताइए। सभी ने कर रखा है बेटा? यस सर। जल्दी अपना काम कीजिए। हाँ, क्योंकि अब देखिए छुट्टियों के बाद हमने स्टार्टिंग से करवा दिया आपको, दोबारा से हम आपको होमवर्क भेज रहे हैं, आपको दोबारा से लेसन पढ़ा रहे हैं। अब भी नहीं करोगे तो बेटा बताओ कब करोगे? फिर इंतजार कर रहे हो कि फिर दोबारा से करवाएं? ऐसा तो नहीं है ना? ओके, हाँ बेटा ये रुपेश कौन है मैसेज कर रहा है जो बार बार ऐसे मैसेज नहीं करते बेटा? रुपेश ध्यान दो बेटा पढ़ाई में, मैसेज करने से क्या फायदा?